यूपीआई पेमेंट के लिए सबसे ज्यादा जो पसंद किया जाने वाला एप्लीकेशन है वो है फोन पे, और दूसरे नंबर पर आता है गूगल पे। इन दोनों ही एप्लीकेशन ने लगभग 80% से ज्यादा का मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा है यूपीआई पेमेंट के लिए। तो आप भी अपने यूपीआई पेमेंट के लिए हो सकता है इन दोनों एप्लीकेशन का यूज करते होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशली गूगल पे के बारे में, क्योंकि गूगल पे में 6 नए फीचर लाइव हो चुके हैं। तो इन फीचर से आपको क्या फायदा मिलने वाला है, आज के इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के काम की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहती है। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ में ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी नए ऑफर या अपडेट आते हैं उसकी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हम टेलीग्राम पर पोस्ट कर देते हैं। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। बैक टू द टॉपिक के गूगल पे में कौन कौन से नए फीचर लाइव हो चुके हैं और उनके आपको क्या फायदे मिलने वाले। तो शुरुआत करें पहले फीचर से। तो गूगल पे में पहला फीचर आपको यूपीआई सर्कल पेमेंट का मिल जाएगा। यूपीआई सर्कल पेमेंट क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए, इस फीचर के जरिए एक बैंक खाते से 5 लोग जो है यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। यानी आप जो है फैमिली के मुखिया हैं और आपके पास में एक बैंक खाता है, तो आप उसी खाते से 5 और लोगों को परमिशन दे सकते हैं यूपीआई पेमेंट करने का, जिसे आप दो तरह से कर सकते हैं, पार्शियल डेलीगेशन के थ्रू और दूसरा जो है फुल डेलीगेशन। पार्शियल डेलीगेशन में ऑप्शन ये मिल जाता है कि जो प्राइमरी यूजर है पूरे लेन देन का कंट्रोल उनके पास रहेगा, जो सेकेंडरी यूजर है केवल पेमेंट का रिक्वेस्ट दे सकता है। यानी मान लीजिए आप अपने खाते में यूपीआई सर्कल फीचर के थ्रू जो है 5 लोगों को ऐड कर लेते हैं, तो जो 5 लोग होंगे ना वो पेमेंट डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, वो रिक्वेस्ट दे पाएंगे। वो कहीं पर गए, यूपीआई पेमेंट करना चाहते हैं, स्कैन करेंगे, अमाउंट एंटर करेंगे और डन करेंगे, तो उसका रिक्वेस्ट आपके पास में आ जाए। फिर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको पेमेंट करनी है कि नहीं करनी है। तो आपको ये पता ही होगा कि किस पर्सन ने ये रिक्वेस्ट डाली है, तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो पेमेंट डन हो जाएगा। इस तरह से आप जो है पार्शियल डेलीगेशन के थ्रू इस पेमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है फुल डेलीगेशन। इसमें ये होगा कि आपको पेमेंट का रिक्वेस्ट नहीं आएगा, जो आप एक लिमिट सेट किए होंगे महीने का, उस अमाउंट में से जिसको भी आपने यूपीआई सर्कल फीचर के थ्रू फुल डेलीगेशन दे रखा है वो पेमेंट कर सकता है। मैक्सिमम लिमिट की बात कर ले तो आप प्रति माह जो है 15,000 रुपए तक का लिमिट दे सकते हैं किसी को भी यूपीआई सर्कल पेमेंट के थ्रू पेमेंट करने का। इसके लिए आपको फुल डेलीगेशन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा जब आप इस फीचर को ऑन करेंगे। तो आई होप आप इस फीचर को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे इस पर डिटेल वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, तो अगर आपको दिक्कत आती है तो उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं, आई बटन में वीडियो का लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट न्यू फीचर जो आपको मिलने वाला है वो है यूपीआई वाउचर का। यूपीआई वाउचर जो है एक तरह की डिजिटल प्रीपेड कार्ड होते हैं जो आप किसी भी व्यक्ति के मोबाइल नंबर पर भेज सकते हैं। इन वाउचर का इस्तेमाल किसी भी यूपीआई पेमेंट के लिए किया जा सकता है, और इसके लिए प्राप्तकर्ता को अपना बैंक खाता यूपीआई से लिंक करने की जरूरत नहीं होती है। कैसे काम करेगा ये यूपीआई वाउचर, इसके लिए आप गूगल पे का इस्तेमाल करके यूपीआई वाउचर बना सकते हैं। जब आप इसे बनाएंगे तो आपको वाउचर की राशि और प्राप्तकर्ता का मोबाइल नंबर डालना होगा। वाउचर बनाकर भेजने के बाद प्राप्तकर्ता को एक SMS मिलेगा जिसमें वाउचर का कोड होगा, तो जब उन्हें वो रिसीव हो जाएगा तो किसी भी यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करके इस कोड को स्कैन कर सकता है और वाउचर का इस्तेमाल कर सकता है। जिन लोगों के पास बैंक खाता नहीं है वो भी यूपीआई वाउचर का इस्तेमाल करके भुगतान कर सकते हैं। यूपीआई वाउचर का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है और सुरक्षित भी है। आप यूपीआई वाउचर का इस्तेमाल किसी भी तरह के भुगतान के लिए कर सकते हैं, जैसे कि दैनिक खरीदारी, बिल भुगतान या किसी को उपहार देने के लिए भी। ये सुविधा में यूजर्स की किसी भी कार्यक्रम के लिए यूपीआई वाउचर जारी कर सकता है। यूपीआई वाउचर डिजिटल पेमेंट का एक सहज तरीका है। तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको मिलने वाला है क्लिक पे QR का। क्लिक पे QR एक नया फीचर है जो कि गूगल पे ने NPCI भारत बिल पे के साथ मिलकर पेश किया है। इससे आप अपने बिल का भुगतान बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपको बस अपने गूगल पे ऐप से किसी भी बिलर द्वारा जनरेट किए गए क्लिक पे QR कोड को स्कैन करना है और ये QR कोड आपके बिल के लेटेस्ट विवरण को अपने आप ले लेगा, जिससे आपको अपना खाता नंबर या ग्राहक ID याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या फायदे हैं इसके, इससे बिल का भुगतान फास्ट होता है, इसमें बिल डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं होती है, ये फीचर आपके बिल की गलत जानकारी भरने की चिंता को दूर करता है, क्लिक पे QR के साथ पेमेंट आसान होता है और लंबी लाइन नहीं लगनी पड़ती है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो आपको मिल जाएगा टैप एंड पे वेयर रुपए क्रेडिट कार्ड। पहले के केस में आप मास्टर या वीजा नेटवर्क वाले क्रेडिट कार्ड को ऐड करते थे तो कंप्लीट डिटेल जो है आपको एंटर करनी पड़ती थी। अभी जो आप रुपए क्रेडिट कार्ड को सिर्फ लिंक करोगे, कंप्लीट डिटेल एंटर नहीं करोगे यहाँ पर, यानी कार्ड
कार्ड के फुल डिजिट आप यहाँ पर एंटर नहीं करोगे। जिस तरह से आप रुपए कार्ड को लिंक करते हो, लिंक करने के बाद भी आप टैप एंड पे की सुविधा ले सकते हैं। टैप एंड फोर रुपए कार्ड एक नई सुविधा है जो कि गूगल पे ने पेश किया है। इसमें अपने रुपए कार्ड को गूगल पे ऐप में जोड़ सकते हैं और किसी भी दुकान पर अपने फोन को कार्ड मशीन पर टैप करके पेमेंट कर पाएंगे। इसको आपको बार बार अपना कार्ड निकालने या स्वाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती। कैसे काम करेगी ये सर्विस आप ये देख सकते हो। आप अपने रुपए कार्ड को गूगल पे ऐप में जोड़ सकते हैं। जब आप किसी दुकान पर भुगतान करना चाहते हैं तो कार्ड मशीन पर अपने फोन को टैप करेंगे, गूगल पे आपके कार्ड की जानकारी मशीन को भेज देगा और भुगतान हो जाएगा। टैप एंड पे फास्ट पेमेंट सिस्टम है। गूगल पे आपके कार्ड की जानकारी सिक्योर रखता है, ऐसे में कार्ड चोरी होने की टेंशन नहीं होती है। बाहर जाने पर कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं होती है, आप बस अपना फोन लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट न्यू फीचर जो आपको मिलने वाला है, प्रीपेड यूटिलिटी बिल पेमेंट का। तो गूगल पे के इस नई सर्विस में आप अपने घर के मंथली खर्च जैसे कि बिजली या सोसाइटी के बिल को सीधे गूगल पे ऐप में लिंक कर सकते हैं। इससे आपको इन बिलों को ट्रैक करना आसान हो जाएगा। ये फीचर सभी बिलों को अलग अलग ऐप में पेमेंट करने की आजादी देता है। इसमें बिल की हिस्ट्री देखी जा सकती है। नेक्स्ट फीचर जो आपको मिल जाता है, यूपीआई लाइट में ऑटो पे का। तो यूपीआई लाइट के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा और ऑटो पे की फीचर भी बहुत सारे एप्लीकेशन में लॉन्च हो चुका है। इसके बारे में भी मे बी आप में से काफी यूजर्स को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस फीचर के जरिए क्या होगा कि मान लीजिए आप एक लिमिट सेट कर देते हैं कि 200 रुपए से कम अमाउंट अगर आपके यूपीआई लाइट में हो जाता है तो ऑटोमेटिक से जो है आपके खाते से पैसा कट के यूपीआई लाइट में ऐड हो जाए। तो यूपीआई लाइट ऑटो पे का मेन फीचर यही होगा, यानी पैसा खत्म होने पर ऑटोमेटिक से ही आपके यूपीआई लाइट में पेमेंट हो जाएगा। इसके थ्रू आप छोटी मोटी जो लेन देन करते हैं वो आसानी से यूपीआई लाइट के थ्रू पेमेंट आप कर सकते हैं। तो कुल ये 6 तरह के न्यू फीचर जो है आपको गूगल पे में मिलने वाला है, जो कि दिसंबर 2024 से आपको मिल सकता है। सो आई होप आज के ये न्यू फीचर्स की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही दोस्तों को बताना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।